हाँ जी जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड बस मॉर्निंग गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग एवरीबॉडी, सबको एंट्री कर लिया आपने? अच्छा जी सर। अभी तो एंट्री मैं नहीं किया है, मैं होस्ट नहीं हूँ, नहीं, एंट्री आप ही आपको करेंगे। आपको तो कोर्स बनाई दिए हम, नहीं सर, नहीं बनाए हैं अभी तक। बनाए तो हम नहीं सर, 1 मिनट अभी देखते हैं कैसे नहीं बना है। ओहो, वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी, एक बार बनाए थे लगता है, उसमें फिर निकल गए थे आप। चलिए, हो गया आपको होस्ट, कर लिया जाए। हो गया होस्ट, हो गए आप, यस सर, एंट्री कर लिया जाए सर। एंट्री कर लिया जाए। जी ओके, एडमिट ऑल 89% है। नाइन्टी हो गए। जी गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सारे पार्टिसिपेंट्स को, सारे योद्धा को आज की इस जूम मीटिंग में मैं वेलकम करता हूं, और इस मीटिंग को स्टार्ट करने का जिम्मा अपने यान मिश्रा सर को देता हूं, वह इस मीटिंग को स्टार्ट करें। और इसका एमओसी आज के एमओसी हमारे यान मिश्रा सर रहेंगे, तो ओवर टू यान मिश्रा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज ये अवसर हमें देने के लिए सर। सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और भी कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ज्वाइन हो जाने देते हैं, फिर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, मेरी आवाज क्लियर जा रही होगी सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर, जा रही है। ओके ओके, थैंक यू। अभी लोग, कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, नहीं हो रहा था थोड़ी देर पहले से। गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों का। जय श्री राम सर, सभी लोगों का, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, सभी लोगों का आज के इस शानदार मीटिंग में, इस शानदार प्लानिंग में, इस शानदार अप्रैल महीने के शुरुआत की प्लानिंग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो मीटिंग करने वाले हैं वो एक ऐतिहासिक मीटिंग होगी, क्योंकि यहाँ से कुछ चीजें शुरू की जा रही हैं, यहाँ से कुछ चीजें आज एक मील का पत्थर रखा जा रहा है एक तरीके से। आज देखेंगे, आज आपको जो मीटिंग में महसूस होगा वो ऐसा लगेगा कि आज कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो रही है हमारे अपलाइंस की तरफ से, हमारे मोदी की तरफ से, हमारे पूरे सिस्टम की तरफ से। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को इस मीटिंग में स्वागत करूंगा और अपना परिचय, मेरा नाम अयान मिश्रा, आज से लगभग 6 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत मैंने की थी। उसके पहले मैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी में जॉब किया करता था, और वहां से एक चीज तो स्पष्ट क्लियर थी कि वो नौकरी करते हुए वो आजादी ले पाना वो बहुत मुश्किल का काम था। नौकरी करते हुए जिंदगी में आजादी ले पाना, वो पैसों की आजादी हो चाहे वो समय की आजादी हो, वो नहीं मिल पा रही थी। इसलिए मुझे लगा कि कुछ ना कुछ नया काम, कुछ ना कुछ नई चीजें करनी चाहिए, और मैं नए ऑप्शंस की तलाश में था। तब तक संयोगवश मेरे पिताजी भी इस मोदी कर को करते हैं, और उन्हीं के द्वारा इस चीज को जानने का, उसी को समझने और सीखने का मौका मिला। और आज गर्व से मैं कहता हूं कि आज हम लोग दोनों लोग
मेरे पिताजी और मैं, हम दोनों लोग इस बिजनेस को करते हैं और आज एक तरीके से देखें तो 6 साल हो गए, और 6 साल में आज हमने जो सीखा है, जो चीजें हमने बिल्ड किया है, वो एक बहुत बड़ी एक कामयाबी है। और एक कहें तो ये एक प्रोसेस है, और ये कभी सफलता की एक सीढ़ी हम लोग चढ़े हुए हैं। अभी बहुत सारी सफलताएं पानी बाकी हैं और बहुत सारी चीजें अभी करनी बाकी हैं मोदी केयर में। दोस्तों आज 6 साल पहले जब मैंने शुरुआत किया था, उस समय करना क्या है मोदी केयर में, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, ये सब बहुत चीजें क्लियर नहीं थी। लेकिन एक चीज क्लियर था, एक चीज जरूर क्लियर हो गया उस समय कि मैं अगर मोदी केयर को करूंगा, मोदी केयर को करता रहूंगा आने वाले 20 साल 25 साल तक, तो यहाँ से बहुत सारे सपने मैं पूरे कर सकता हूँ, यहाँ से अपनी जो ख्वाहिशें हैं वो मैं पूरी कर सकता हूँ, अपने जो मन में जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी कर सकता हूँ। तो पिछले 6 साल से इस बिजनेस को सीखते हुए हमने बहुत सारे सपने पूरे किए हैं और बहुत सारे सपने भी पूरे होने बाकी हैं। उसी सपने को पूरे कराने के लिए पूरा मोदी केयर सिस्टम, हमारे ग्रेट अप्लायंस, सभी लोग लगातार लगे रहते हैं कि हमारे सपने पूरे हों। हमारे सपने कैसे पूरे होंगे और हमारे 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 जो हमारे जो ड्रीम्स हैं, उन ड्रीम्स में एक एक कड़ी कैसे जुड़ी जा सकती है, उसके बारे में आज की मीटिंग रखी गई है। और मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करूंगा, जो भी लोग जुड़ चुके उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और जो नहीं जुड़े उनके लिए मेरी तरफ से एक कहें तो संभावना है। बहुत सारे लोगों पर ये मैसेज गया था, बहुत सारे लोगों पर आज का लिंक गया होगा, लेकिन कुछ लोगों को नींद आ रही होगी, तो कुछ लोगों को खाना खाना होगा, तो कुछ लोगों को अलग अलग समस्याएं होंगी। लेकिन उन समस्याओं के बीच अगर आप लोग उठ करके यहाँ पर आए, तो यकीन मानिए आप खुद से नहीं आए हैं, आप बुलाए गए हैं इस मीटिंग में। और कहीं ना कहीं कहा जाता है ना, एक 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 पत्ता भी बिना ऊपर वाले की कृपा से नहीं हिलता। अगर आप इस मीटिंग में आए हैं, वो बहुत सारे वो लिंक दबा करके और इस मीटिंग में अगर आप बैठे हुए हैं, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा सीरियस और हो जाइए, बस थोड़ा सा सीरियस और हो जाइए। अगर आप वीडियो ऑन करने की पोजिशन में है, अगर आप वीडियो ऑन करने की पोजिशन में है, ठीक ठाक से कपड़े आपने पहने हुए हैं, और आप अगर लाइटिंग अच्छी है वीडियो ऑन करने की पोजिशन में है, तो वीडियो ऑन रखिए, वरना ऑफ कर लीजिए। और एक पेन और एक डायरी साथ में लेकर के बैठिए, क्योंकि आज यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जिसको नोट करना आपके लिए आवश्यक होगा। यहाँ से बहुत सारी चीजें आज आपको मिलने वाली हैं जिसको नोट करना आपके लिए आवश्यक होगा, क्योंकि यहाँ से जो मिलेंगी उसको आपको अपने टीम में बताना भी है। यहाँ से जो भी चीज आपको मिलेंगी उसको अपनी टीम में बताना भी है। तो एक डायरी और एक पेन साथ में लेकर के बैठ जाइए, और साथ ही साथ अगर आपका वीडियो ऑन करने के पोजिशन में है तो वीडियो ऑन रखिए, अन्यथा ऑफ कर दीजिए। तो अगर आप सभी लोग सहमत हैं, आप सभी लोग अगर तैयार हैं, तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग डायरी पेन के साथ तैयार हैं आज की मीटिंग के लिए, एकदम एक्साइटेड हैं कि यस आज की मीटिंग में कुछ नया मिलने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है। कितने लोग डायरी पेन के साथ तैयार हैं, ज्यादा चैट बॉक्स में मैं देखना चाहूंगा। चैट बॉक्स में यहाँ पे मैं देख रहा हूं तो बहुत सारे लोग यस बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है। इतना तेज में भाग रहा है कि मैं इसको पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, इतने तेज में ये भाग रहा है। धर्मेंद्र कुमार सर, जितेंद्र सर, यस यस, सारे लोग रेडी हैं। विकास कुमार जी, बहुत शानदार, यस 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 यस, सारे लोगों का जवाब लगभग आ रहा है, मतलब सभी लोग तैयार हैं। तो अगर सभी लोग तैयार हैं तो एक बार मैं जरा सा सभी लोगों का माइक जैसा अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार अपने अंदाज में जरा सा स्वागत हम लोग करेंगे किनका, आज के जो हमारे मीटिंग को जो आज के मीटिंग को जो लेने वाले हैं और आज जो हमारे मीटिंग को कंडक्ट करने वाले हैं, जो हमें ये सारी जानकारियां बताने वाले हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सोचा है, हम लोगों ने क्या क्या आप लोगों के लिए प्लान किया हुआ है, उन सारी जानकारियों को देने के लिए मैं आपके एक जोरदार जोश के साथ, मैं आप सभी लोगों का माइक ऑन कर रहा हूँ, जोरदार जोश के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा किनका, मिस्टर अजीत मिश्रा सर का, और आज का शानदार हम लोगों का वेरी गुड मॉर्निंग। और दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी आजादी के लिए। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और दोस्तों मैं सबसे पहले आज की मीटिंग की शुरुआत की जाए, उसमें सबसे पहले मैं आप सब लोगों
सर अपना माइक ओपन कर लीजिएगा सर। मैं सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने जो शानदार तरीके से खेला है पिछले महीने दोस्तों, माइंड ब्लोइंग रहा। मतलब कहे कि सुपर से ऊपर, मतलब हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इतना शानदार कमबैक करेंगे आप लोग और इतनी शानदार तरीके से बिजनेस को बढ़ाएंगे आप। मतलब आप एक अलग लेवल पे लेके पहुंचे आप लोगों ने। और जो पूरा फाइनेंशियल ईयर हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने जो मार्च क्लोजिंग की, तो अब तक जो पिछला तकरीबन 5.5-6 साल से हम लोग मोदी कर में हैं, तो ये जो साल रहा, ये जो फाइनेंशियल ईयर रहा, वो अब तक का सर्वश्रेष्ठ फाइनेंशियल ईयर रहा। ढेर सारे चैलेंजेस भी आप सब लोगों ने फेस किए, बहुत सारे बातें, बहुत कुछ आप लोगों ने देखा, ज्ञान में बदलाव, बहुत कुछ। और उन सब परिस्थितियों में आप सब लोग साथ रहे। और आप कहते हैं ना कि एक अच्छा बैट्समैन वही होता है जो इंतजार करता है कौन सा वो ओवर है जहां पे हम रन लगा करके पूरा रन रेट मेंटेन कर देंगे। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने उस रन रेट को मेंटेन किया है, पहले तो उस चीज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, दिल से आभार। क्योंकि कहते हैं ना कि ये बिजनेस जो है वो टीम वर्क है, हम ही हम है तो क्या हम है, और आप सबके बिना हम क्या, हम लोग क्या है, हम लोग हैं इसलिए क्योंकि आप हमारे साथ, आप जैसे प्यारे लीडर, आप जैसे दिग्गज लीडर, आप जैसे सम्मानित लीडर हम लोगों के साथ हैं। तो दोस्तों, हम सारे लीडरशिप ने मिलके कुछ प्लान बनाया है कि हम चाहते हैं कि इस बिजनेस को हम लोगों अपने अपने बिजनेस को नए लेवल पर लेके जाए। और उसी संदर्भ में हम बातचीत करने के लिए आप सब लोगों के साथ आए हैं और हमारे पास, हम लोगों ने कुछ तैयारियां करी है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ पीपीटी शेयर कर पाए हम आप लोगों के साथ। तो मैं आयान मिश्रा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सर जरा देखेंगे, बताएंगे कि क्या जो हम शेयर करने जा रहे हैं वो शेयर हो पा रहा है। पीपीटी हमारा कुछ पीपीटी दिख रहा है सर? यस आ गया सर, पीपीटी आ गया, क्लियर है? यस क्लियर है सर। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, और आप सब लोग स्वागत के योग्य हैं, इसलिए हम लोगों ने आप लोगों के स्वागत की तैयारी की है। और अगले स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है अगले स्लाइड में। और मुझे लगता है कि आप लोगों का जोर इतना ज्यादा है कि शायद स्लाइड भी थोड़ा स्लो चल रहा है। आप लोगों का एक्साइटमेंट चूंकि जो हम लोगों ने तैयार किया है उसमें निश्चित रूप से एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, और उस एक्साइटमेंट के कारण शायद ये स्लाइड आगे और जा नहीं पा रहा है। यस, तो दोस्तों सबसे पहले तो 27th बर्थडे, 27 साल हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, और मैं चाहूंगा कि एक जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार, क्योंकि दोस्तों यहाँ कंपनियां 27 महीने नहीं टिकती। 27 महीने में कंपनियों का ब्रांड बच जाता है, ताला लग जाता है, और हम लोगों ने 27 साल पूरे किए। और दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। और फिर वही बात बोलना चाहूंगा कि 27 साल पहले जब मोदी करके शुरुआत की गई थी, तब भी लोग कहते थे कि शायद ये नहीं चलेगा, ये सब यहाँ का बिजनेस नहीं है, ये बाहर की दुनिया में चल रहा है, चलता होगा, इंडिया के लिए लोग नहीं है। और वो लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं, और 27 साल में हमको लगता है 2700 से ज्यादा लोग मोदी करके माध्यम से कार ले चुके हैं, और सैकड़ों लोग आज के डेट में ऐसे हैं जो अपनी ड्रीम कार चला रहे हैं, मर्सिडीज, जगुआर और बीएमडब्ल्यू चला रहे हैं, और कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आप सब लोग हम लोगों के साथ हैं और हम सब लोगों ने 27th बर्थडे सेलिब्रेट किया है। और दोस्तों, और इस खुशी में मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा क्लिप, समीर सर का एक छोटा सा ड्रीम मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आयान सर मुझे बताएंगे कि सर साउंड और वीडियो थोड़ा छोटा आएगा क्योंकि इसकी एडिटिंग प्रॉपर हो नहीं पाई है, लेकिन जो भी है मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। जो मिल गए हो, साउंड ठीक है, तो ये लगता है कि जहां हुए राही को कारवां मिल गया,
किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा ना हो, क्योंकि हम क्या थे अगर हम लोगों के जीवन में मोदी कर नहीं होता तो शायद हम लोग कुछ नहीं थे। और दोस्तों उसी क्रम में, उसी कड़ी में हम लोगों ने अब शुरुआत की है। और दोस्तों आपके सामने ये स्लाइड है जो कहता है कि सीरियस हो जाएगी। हम में से ज्यादातर लोग इस बिजनेस में सफल इसलिए नहीं है क्योंकि वो सीरियस नहीं है। और दोस्तों सीरियस हो जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब हम एक नए लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। इस फिनेंशियल ईयर में हम लोगों ने कमर कस लिया है और अब हम एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं। हम लोगों ने जो पिछला फिनेंशियल ईयर क्लोज किया है उससे एक कदम आगे निकलना चाहते हैं। तो आप अपने भविष्य के लिए, आप अपने लक्ष्यों के लिए और आप अपने परिवार के लिए सीरियस हो जाएंगे। और दोस्तों मैं आज ये बात आप लोग को क्यों बता रहा हूं कि आप सब लोग सीरियस हो जाइए, क्योंकि हम सब लोग मिलके कुछ कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, सुनेंगे आप लोग क्या? अगर आप सुनेंगे तो आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि मेरी एक बुरी आदत है कि मैं हर प्रेजेंटेशन, हर मीटिंग के लिए कोई ना कोई स्टोरी तैयार करता हूँ। और वो अलग बात है कि आप चैट बॉक्स में यस नहीं भी लिखेंगे तब भी मैं ये स्टोरी सुनाऊंगा, क्योंकि मैं आदत से मजबूर हूँ कहानी सुनाने के लिए। अब मैं वही कहिए कि आदत से मजबूर या आदत से मजबूत, कुछ लोग मैसेज करने की आदत से मजबूत। यस, मैं आदत से मजबूत हूं। तो मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं आपको, छोटी सी स्टोरी है और फिर इस प्रेजेंटेशन को हम आगे लेके बढ़ेंगे। दोस्तों एक बार की बात, और ये स्टोरी डायरेक्ट सेलिंग में और नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकता है कई बार सुनाई गई हो और आप लोग सुने हो, लेकिन ये बड़ी फिट बैठती है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। और आप सारे लीडर जो 130-131 लोग पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से जो हम लोग को सुन रहे हैं, उन सब लोगों के ऊपर ये फिट बैठती है। दोस्तों कहानी एक जंगल की है। एक जंगल में दो जानवर बड़े गहरे मित्र थे, एक हाथी और दूसरा बंदर। बड़ी पक्की मित्रता थी, बड़े गहरे मित्र थे और दोनों का जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन होता है ना कि हर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और उन दोनों की दोस्ती में भी एक ट्विस्ट आता है। और अचानक से वो दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इस बात को लेकर होता है कि दोनों के अंदर ये घमंड आ जाता है कि दोस्ती उसके वजह से चल रही, दोस्ती में वो ज्यादा सेक्रीफाइस करता है और दोस्ती में अगर वो है तो दोस्ती चल रहा है। मतलब हाथी को लगने लगता है कि दोस्ती उसके वजह से चल रहा है और बंदर को लगने लगता है कि दोस्ती उसके वजह से चल रहा है। और कैरी नदी। अब नदी होती है तो हाथी तो नदी पार करके चला जाता है, बेचारा बंदर किनारे खड़ा होकर मुंह देखता रह जाता है। लेकिन जब हाथी उस पेड़ के पास पहुंचता है तो क्या देखता है कि उस पेड़ से फल तोड़ने के लिए उस पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। अब वो बेचारा समस्या में पड़ जाता है कि हाँ आ तो गए लेकिन फल टूटेगा कैसे, और अगर हम फल तोड़ के राजा को दे नहीं पाएंगे तो फैसला हो नहीं पाएगा। अब वो फिर पीछे वापस आता है और बंदर से बोलता है, यार एक काम करते हैं, हम लोग ना चलते हैं साथ साथ, हम तुमको पीठ पे बैठा के नदी पार करवा देते हैं और तुम वो फल तोड़ के हमको दे देना और हम दोनों लोग इकट्ठे ले जाकर के
राजा को ये फल दे देंगे और राजा ये फल खा लेगा, मतलब शेर ये फल खा लेगा, इसका पानी पी लेगा और वो फैसला कर देगा। अब हाथी बंदर को, हाथी जो है वो बंदर को अपने पीठ पे बिठा करके पेड़ के पास ले जाता है, फिर फटाफट बंदर जो है वो फटाफट पेड़ पे चढ़ जाता है और वो फल तोड़ के लाता है, हाथी को दे देता है और दोनों लेकर के शेर के पास पहुंचते हैं और शेर को वो फल दे देते हैं और बोलते हैं कि सुनिए ऐसा है, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हम दोनों की दोस्ती में इंपॉर्टेंट पॉइंट और दोस्ती किसके वजह से चल रही, और मुझे लगता है कि आप जो भी 130-135 लोग यहाँ बैठे हैं आप लोगों को भी ये ज्ञात हो गया होगा कि दोस्ती किसके वजह से चल रही। तो माय डियर फैमिली मेंबर्स, ये जो चल रहा है, ये जो सक्सेस दिख रही है, वो सब उसमें हम दोनों, आप और हम पार्टनर्स हैं, हमारे आपके कोलैबोरेशन से, हमारे आपकी ताकत से ये सब कुछ चल रहा है। तो दोस्तों उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, उसी दोस्ती को और प्रगाढ़ करने के लिए, उसमें कुछ और एड ऑन करने के लिए हम सब लोगों ने प्रयास किया है। दोस्तों हमको, आपको, हम सब लोगों को हमारा सक्सेस दिखता है। दोस्तों ये सक्सेस का जो पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ के पीछे, पहाड़ के नीचे आप देखेंगे कि ये पहाड़ जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है, और इसके नीचे में क्या है आप देखेंगे, हार्डवर्क है, एक कठिन मेहनत किया गया है, परसिस्टेंस है, लगातार बार बार लगातार लेट नाइट्स, देर रात तक काम किए गए हैं, रिजेक्शन झेले गए हैं, जाने कितनी बार हम लोगों ने ना सुना है। यहाँ बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे आपकी टीम में जिनका एक बार अगर कोई ना बोल दे तो आधा नाक कट जाता है, और दो बार ना बोले तो पूरा नाक ही कट जाता है। दोस्तों सेक्रीफाइसेस हुए हैं, कई ऐसी विषम परिस्थितियां हम लोगों के लाइफ में आता है, सिचुएशंस अनफेवरेबल हो जाते हैं, फिर भी उस सिचुएशंस में हम लोगों ने काम किया है। डिसिप्लिन, दोस्तों हम लोग डिसिप्लिन है, क्योंकि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, किसी भी जगह पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। और फिर बात आती है क्रिटिसिज्म, दोस्तों आपकी तरह हम लोगों ने भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स को झेला है, हम लोगों ने बहुत बार लोगों की अवहेलनाएं झेली है, हम लोगों के ऊपर भी लोगों ने ढेर सारे कॉमेंट्स किए उसको हमने झेला है, डाउट्स, कई बार डाउट्स हो जाता है, हमें भी हो जाता है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो भी हमारे अंदर था लेकिन हमने उसको भी पार किया। फेलियर, यानी कितने बार हम लोगों ने फेलियर्स देखे अपने लाइफ में, कई बार हम लोगों का बिजनेस एक बार फिर से वहीं पहुंच गया जहां से हम लोगों ने शुरू किया था, लेकिन क्या था, हम रुके नहीं, हम झुके नहीं। एक बार हमको एक व्यक्ति ने कहा था कि अजीत जी आपका बिजनेस अभी डाउन हो गया है, आपको एक बार कुछ विचार करना चाहिए अपनी कंपनी, अपने बिजनेस के बारे में। मैंने उस सज्जन को कहा कि सर हमारा बिजनेस डाउन हुआ है, हम डाउन नहीं हुए हैं, हमारा बिजनेस गिरा है, हम नहीं गिरे हैं और हम खड़े हैं, बिजनेस फिर खड़ा हो जाए, हमारा मोरल डाउन नहीं हुआ है तो हमारा बिजनेस भी डाउन नहीं होगा, फिर अप हो जाए। आप अपने बारे में विचार करिए। दोस्तों इन सब चीजों को झेल के हम यहाँ पहुंचे हैं, अगर हमारे सक्सेस का पहाड़ बड़ा दिख रहा है तो उसके नीचे भी बहुत कुछ है, वो भी आपको देखना चाहिए, और अगर आपका सक्सेस का पहाड़ ऊंचा होगा तो आपको भी ये सारी चीजें झेलनी पड़ेगी आपको अपने लाइफ में। दोस्तों उसके बाद जो है वो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम सब लोग दुनिया में बहुत कुछ साफ करने चले हैं, अपने बाहर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने चले हैं, अपने जिंदगी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने चले हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे, और मुझे लगता है कि ये सबसे कठिन सफाई है कि हमारे आपके दिमाग में जाले पड़े, प्रॉब्लम्स हमारे आपके दिमाग में आ गया है, प्रॉब्लम्स हमारे आपके अंदर आ गया है। और दोस्तों जैसा जैसा हम लोगों के अंदर प्रॉब्लम है वैसा ही हमें दिख रहा है, क्योंकि रामायण की बड़ी अच्छी चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत आज दिखी तैसी, कि जिसकी जैसी भावना होगी हरि उसको उसी रूप में दिखाई देगी। तो दोस्तों आज अभी की इस मीटिंग में हम सब लोग अपने दिमाग में पड़े कुछ जालों को हटाएंगे, हम लोग अपने दिमाग में फंसे हुए कुछ कचरों को साफ करेंगे, और इसमें लिखा हुआ है कि सबसे कठिन सफाई है, क्योंकि हम में से हर व्यक्ति को ये लगता है कि वो परफेक्ट है, हम में से हर व्यक्ति को ये लगता है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, और यहीं पे सारी गलती हो जाती है, और मतलब हम में से ज्यादातर लोगों को ये लग ही नहीं रहा है कि उसके अंदर कुछ कमी है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, वो बार बार सिस्टम को चेक कर रहा है और वो कभी भी अपने आप को चेक करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो दोस्तों
मैं आप सब लोगों से एक छोटे से सवाल से इस मीटिंग को और आगे बढ़ाना चाहूंगा, और मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप सब लोग अपना अपने चैट बॉक्स में आ जाएं और मुझे ये बताएं, एक व्यक्ति को डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितने पीबी की आवश्यकता होती है? फटाफट मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में आए, चैट बॉक्स ओपन है आप सब लोगों के लिए, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखना शुरू कर दिया। आंसर चैट बॉक्स आ रहे हैं लोगों के? यस सर, आ रहे हैं सर। अच्छा, क्या क्या जवाब आ रहा है सर? आ रहा है सर, कुछ लोग 1100 पीवी कर रहे हैं, कुछ लोग 30 पीवी कर रहे हैं। नहीं, पर्सनल आईडी पे कितना पीवी करना होगा? सवाल फिर से सुनिए कि अगर हमें डायरेक्टर क्वालिफाई करना है तो हमें पर्सनल आईडी पे कितना पीवी का बिलिंग करना होगा? अपने नाम पे, खुद के नाम पे कितने पीवी का बिजनेस करना होगा? क्या जवाब आ रहा है आंसर? अब लगता है सही जवाब आना शुरू हो गया। अब सही जवाब आना शुरू हो गया, 30 PV and 100 PV। अच्छा, 30 PV and 100 PV। दोस्तों मैं बात करूं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि मिनिमम 30 PV करना है। दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि हम और आप, हम सब लोग अपने से, हम में से कितने ऐसे लोग हैं कि जो हम अपने जीवन में मिनिमम पाना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि मिनिमम कम से कम हमको मिले। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो ये सोच रहा होगा कि उसके जीवन में मिनिमम मिले, कम से कम मिले। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने जीवन में मिनिमम करके मैक्सिमम लिया जा सकता है? क्या दुनिया का कोई ऐसा सिस्टम बना है जहां पे कम करके थोड़ा करके बहुत पाया जा सके? ऐसा कहीं भी नहीं हो। दोस्तों आप लोग बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं आप सब लोगों को कि आप सब लोग गेहूं लेकर के जरूर पिसवाने के लिए मिल में जाया करते होंगे, आप सब लोग किसान लोग हैं। वहां अगर आप 10 किलो गेहूं लेकर के जाते हैं तो वो दुकानदार आपको 9 किलो 800 ग्राम देता है, बोलता है कि 200 ग्राम जर्ती हो गया, 200 ग्राम जर गया। दोस्तों आप सोचिए कितना प्रैक्टिकल बात है कि आपका ओरिजिनल चीज में से भी 200 ग्राम जल जाता है फाइनल आउटपुट आने में। अब आप बताइए कि आप सब ये सोच रहे हैं कि आप अपने आईडी पे मिनिमम करेंगे और आपको मैक्सिमम मिलेगा, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। जीवन में हमेशा आप मैक्सिमम करके मैक्सिमम की उम्मीद कर सकते हैं, ज्यादा करके ज्यादा की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन कम करके आप कभी भी ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। और अगर हम में से जितने सारे लोग हमारे साथ इस मीटिंग में हैं, अगर कम करके हम लोग ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। तो कम से कम अपने साथ नाइंसाफी और बेईमानी करना आप बंद करें। दोस्तों मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हम सब लोगों के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, हम सब लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं और उस गड़बड़ को सुधार करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में, इसी कड़ी में हम लोगों ने कुछ शुरुआत किया है, कुछ चीजें आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस की है, और मुझे पता है कि आप सब लोग या इस धरती के सारे लोग कोई भी काम सिर्फ और सिर्फ दो वजह से करते हैं, पहला है डर और दूसरा है लालच। अब आप देखिए, अगर बिजली बिल भरने की आखिरी तारीख 25 तारीख है तो आप निश्चित रूप से 25 तारीख को बिजली बिल भरेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर 25 तारीख को बिजली बिल नहीं भरा तो फाइन लग सकता है, रिचार्ज वाला है तो बिजली बंद हो सकती है, लाइट जा सकता है, जबकि वो रिचार्ज आप 24 को, 23 को, 20 को, 21 को, 15 को, किसी भी तारीख को कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करते, आप 25 तारीख को करते, क्योंकि 25 तारीख बिजली रिचार्ज करने की, बिजली बिल देने की आखिरी तारीख। और दूसरा, आप लालच से करते हैं। अगर यही आ जाए कि 15 तारीख को बिजली बिल देने पर 25% का डिस्काउंट है, मतलब 1000 का बिल 750 रुपए में हो जाएगा, आप निश्चित रूप से 15 तारीख को रिचार्ज कर देंगे, क्योंकि आज आपको 250 रुपए का मुनाफा हो रहा है। तो दोस्तों इस परंपरा को हम लोगों ने समझा है, हम सारे लीडरशिप ने इस पर बैठ के गहरी मंथन की है, पूरा विचार किया है, और नीरज मिश्रा एंड टीम अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर के, उनसे राय मशवरा लेकर के नीरज मिश्रा एंड टीम ने एक परंपरा स्टार्ट किया है। क्या परंपरा रहेगी?
दोस्तों परंपरा ये हम लोगों ने शुरू किया है कि चूंकि मैक्सिमम करके ही मैक्सिमम मिल सकता है, तो हम सारे लीडर्स अपनी आईडी पे 100 पीवी करेंगे। मैं बहुत अच्छे से आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों के अंदर लिए ये बोझ हो जाता है, और मैं आपको बता दूं कि उन्हीं लीडर्स के लिए ये बोझ हो जाता है जिनको मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की जानकारी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि 100 पीवी करना मुश्किल है, तो आप अपने आप से एक सवाल आज पूछिए कि क्या आपको मोदी केयर के 750 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स में से किसी भी 30 प्रोडक्ट का नाम, दाम बोले तो डीपी और उसका 4 काम मालूम है? तो जवाब आएगा कि नहीं मालूम। अगर आपने अपने अंदर ये छोटा सा बदलाव कर लिया कि आप मोदी करके 30 प्रोडक्ट्स पे मास्टरी कर लेते हैं, उसकी उसका नाम जान लेते हैं, उसका डीपी प्राइस जान लेते हैं और उसका 4 काम जान लेते हैं, आई गारंटी कि 100 पीवी आपके लिए खेल हो जाएगा, 100 पीवी करना आपके लिए आसान हो जाएगा और यहीं से आपकी बिजनेस की शुरुआत होगी, यहीं से आप अपने जीवन में बड़ा कर पाएंगे। तो माय डियर फैमिली मेंबर्स, हम लोगों ने थोड़ा सा उसमें एड ऑन किया है लालच आप लोगों के लिए, क्या अपनी टीम के लिए, क्योंकि आप हमारे एम्प्लॉय नहीं है, आप हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, लेकिन चूंकि हम लोग थोड़े से आगे हैं आप लोगों से, तो आप लोगों की भी गाड़ी थोड़ा सा आगे निकले, आप लोगों की भी गाड़ी का स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाए, तो इसके लिए हम लोगों ने एक सिस्टम तैयार किया है कि जितने भी लीडर्स या यूजर्स जो भी हैं, 1 से लेके 5 तक पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोने से आप अगर अपने पर्सनल आईडी पे 100 पीवी या उससे ज्यादा करेंगे, तो उसके लिए हम लोग 5 के बाद, मतलब 5 को रात के 11:59 तक की जो भी बिलिंग होगी, सभी बिलिंग को कलेक्ट करके एक ड्रॉ निकालेंगे और उस ड्रॉ में से ड्रॉ सिर्फ नीरज मिश्रा एंड टीम के बीच होगा, और उस ड्रॉ में से 6 लकी विनर्स का नाम निकालेंगे। दोस्तों उस 6 लकी विनर्स को हम लोग 1,000 रुपया कैश इनाम देंगे, मतलब ये रहेगा कि वो 1,000 रुपया, हाँ जी बिल्कुल, आप तालियां बजा सकते हैं, जहां भी है इसके लिए ताली लगा सकते हैं, अगर आपको ये एक्साइटमेंट होता है, जोश होता है, जबरदस्त रूप से ये तालियां बनती है इसके लिए कि मोदी केयर कंपनी रियली सुपर्ब, बिल्कुल कंपनी जो कुछ भी आपको देगी, कोई भी अवार्ड दे, 10 का दम दे और न्यू ज्वाइनिंग्स पर कोई ऑफर, तो कंपनी का जो भी ऑफर रहेगा वो रहेगा। उसके अलावा आपकी गाड़ी का स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग 1,000 रुपया कैश इनाम देंगे, और दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि 1,000 रुपया में आप एक बार तो अपने मोटरसाइकिल का टंकी जरूर फुल करा लेंगे, और दोस्तों अगर एक बार आप अपने मोटरसाइकिल का टंकी फुल करा लेंगे तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपके लाइफ से थोड़े टेंशन कम होंगे और आपकी गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा। और इस ड्रॉ को हम लोग 5 से लेके 9 के बीच में कर लेंगे, और जैसे ही 9 का पेमेंट आप लोगों को आएगा, उसी क्रम में हम लोग ये अमाउंट जो भी विनर होंगे उनके अकाउंट में हम लोग कैश में दे देंगे। और दोस्तों इस चीज को अचीव करके जब आप फील्ड में निकलेंगे तो आपके लिए बड़ा बिजनेस हो पाएगा। अब जो आज के मीटिंग का दूसरा पहलू है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे बिजनेस में हम सब लोगों ने देखा है कि अगर हमें बड़ा करना है तो हमें 2 चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, एक है रिक्रूटमेंट और दूसरा है मीटिंग एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट मीटिंग ट्रेनिंग मतलब कि रिक्रूटमेंट मतलब बहाली, ज्यादा से ज्यादा लोग को लाना। और दोस्तों दुनिया की कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो लंबे समय तक तभी चल सकता है जब उसमें बहाली की प्रक्रिया जारी है, क्योंकि कोई भी संस्था हो उसमें रिटायरमेंट तो होगा ना, 60 के बाद तो लोग रिटायर होंगे। अगर कंपनी ने रिक्रूटमेंट बंद कर दिया, लोगों की बहाली करनी बंद कर दी, नए नए लोगों को लाना बंद कर दिया, तो दोस्तों वो कंपनी बहुत ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं, क्योंकि एक तरफ से तो लोगों की छटनी चालू है ना, रिटायर हो रहे हैं लोग, 60 के हो रहे हैं, अपना उम्र पार कर रहे हैं, निकल रहे हैं, और हमारे आपके बिजनेस में भी यही हो रहा है।
हम एंटरप्रेन्योर हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप हैं, हम अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? रिक्रूटमेंट तो करना पड़ेगा ना, लोगों की बहाली करनी पड़ेगी, नए नए लोग लाने पड़ेंगे, और उसी नए लोगों में आपको नीरज मिश्रा मिलेंगे, जयप्रकाश मिश्रा मिलेंगे, अजीत मिश्रा मिलेंगे, संजीत जी मिलेंगे, प्रेमजीत जी मिलेंगे, नागेश्वर जी, चंदन जी, जो भी बड़े लीडर्स आज आपको दिख रहे हैं फील्ड में, केस जी, प्रभा जी, जो भी बड़े लीडर्स आपको दिख रहे हैं जो आज बड़ा धमाका करके, मैं अगर किसी का नाम नहीं लेता तो माफ करिएगा, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि सबका नाम लेना संभव नहीं है, जो नाम मेरे मुंह से निकल पाया वो सब बाकी के सारे लीडर्स आज आप पूरे हिंदुस्तान में झंडा गाड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे अरुणाचल से हो, या बिहार से हो, या बंगाल से हो, या पंजाब से हो, या दिल्ली से हो, जो भी आज के डेट में 17-18 राज्यों में हमारा बिजनेस चल रहा है, वो सब किसी ना किसी के द्वारा रिक्रूटमेंट किए गए हैं, और उसी रिक्रूटमेंट से वो लीडर्स निकले हैं। तो अगर ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हम लोग जारी रखेंगे, और ना सिर्फ जारी रखें बल्कि उसको थोड़ा और तेज करें, क्योंकि हम लोगों ने, जैसा मैंने बताया आज इस मीटिंग की शुरुआत में, कि हम लोगों ने अपना मूड बदला है कि इस फाइनेंशियल ईयर को ऐतिहासिक फाइनेंशियल ईयर बनाएंगे, एक नया लेवल सेट करेंगे, एक नया पैमाना सेट करेंगे पूरे हिंदुस्तान में हम। तो दोस्तों कहानी वही हाथी और बंदर वाली है कि ना आपके बिना हम, ना हमारे बिना आप, हम दोनों मिल जाएं तो पूरे हैं। क्योंकि एक बड़ी अच्छी लाइन है, आप लोगों ने सुना होगा कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, सह नहीं मिलत सुहागा। अगर आप मोती हैं तो हम धागा हैं, अगर आप चंदन हैं तो हम पानी हैं, और हम दोनों के मिलने से ही बड़ा हो सकता है। तो हमने तो प्लान कर लिया कि हमें बड़ा करना है, हमने तो सोच लिया कि हिंदुस्तान में एक नई लीडरशिप की कहानी बनानी है, हमने तो सोच लिया कि एक बड़ा पैरामीटर सेट करना है, लेकिन उसमें आपका भी तो सहभागी होना बहुत जरूरी है ना, उसमें आपका भी तो हमारे साथ होना बहुत जरूरी है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने एक तरीका बनाया है कि रिक्रूटमेंट को किया जाए बहुत तेजी से, हाई नोड पे रिक्रूटमेंट को रखा जाए। और दोस्तों फिर से वहीं पे मैं पहुंच रहा हूं कि इंसान कोई भी काम सिर्फ और सिर्फ दो वजह से करता है, एक डर और दूसरा लालच। और हम आपको कोई डर दिखा नहीं सकते क्योंकि आप हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। अगर इम्प्लॉय होता किसी कंपनी का, आप सब इम्प्लॉय होते तो डांट पड़ते भी कि क्या कर रहे हो आप लोग, क्यों ऐसा कर रहे हो, वैसा क्यों नहीं कर रहे, इतनी ट्रेनिंग क्यों नहीं डाल रहे। लेकिन चूंकि आप इम्प्लॉय है नहीं, हमारे बिजनेस पार्टनर हैं आप, तो थोड़ा सा लालच, क्योंकि हम एक दो कदम आपसे आगे निकले हैं, तो थोड़ा सा आपकी तरफ हम मूव कराना चाहते हैं। और दोस्तों हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि पूरे अप्रैल महीने में, अभी हम अप्रैल का बता रहे हैं, फिर ऐसे ही हर महीने हम लोग मीटिंग करके आप लोगों को बताएंगे कि अगले महीने के लिए हम लोगों ने क्या प्लान सेट किया है, लेकिन फिलहाल हम अप्रैल महीने के लिए बता रहे हैं कि अप्रैल महीने के लिए कोई भी लीडर, चाहे वो मोदी के अभी ज्वाइन किया हो या बिना ज्वाइन किए हुए इस मीटिंग में हो और वो आज ज्वाइनिंग की प्लान बना रहा हो, कोई भी व्यक्ति, न्यू ज्वाइनर टू डायमंड और ब्लैक डायमंड, कोई भी, अगर आप पर्सनली 50 आईडी लगाते हैं, 50 आईडी लगाते हैं, और उस 50 आईडी में से, 50 आईडी में से किसी भी 30 आईडी पे 15 पीबी या उससे ऊपर का बिजनेस करते हैं। दोस्तों मैंने 50 आईडी इसलिए बोला कि कई दफा क्या होता है कि हम आईडी लगाते हैं, वो बोलता है कि कल बिलिंग हो जाएगी, परसों बिलिंग हो जाएगी, आज तो आईडी लग गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आईडी लगाइए, लेकिन उस 50 में से किसी भी 30 आईडी पे अगर आप 15 पीबी या उससे ऊपर का बिजनेस करते हैं, तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए अपनी तरफ से, जो भी लीडरशिप है उसके तरफ से, एक बेहतरीन गिफ्ट अनाउंस किया है। दोस्तों वो गिफ्ट क्या होगा, उस गिफ्ट में हम लोग आपको देंगे मिल्टन कंपनी का 1 लीटर का पानी का बोतल, जिसमें वो जबरदस्त पानी जबरदस्त ठंडा रहेगा, गरम गरम रहेगा, वाओ वाओ सुपर सुपर शानदार, बिल्कुल बिल्कुल ये शानदार है। और आप सब लोगों का प्यार सहयोग ऐसे ही मिलते रहेगा, तो हर महीने हम लोग कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे, और जितने उत्साह के साथ, जितने बढ़िया से आप इसको फील्ड में पेनिट्रेट करेंगे, जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ पीपल आप लोग आएंगे बाहर निकल के इस तरह के गिफ्ट को लेने के लिए हम लोगों के से,
उतना बढ़िया और उतना बेहतरीन डिजाइन करेंगे हम लोग हर महीने, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि अब हम गियर बदलने के मूड में है। बहुत हो गया जिस गियर पे हमने गाड़ी चलाया, अब गियर बदलेगा। तो हम लोगों ने गियर बदलने का मूड बना लिया है और गियर बदलने की पूरी तैयारी हम सारे लीडरशिप ने कर लिया है। अब सोचिए कितना बढ़िया होगा कि आप लोग के टीम में 10, 12, 15, 20, 25 व्हाटएवर लीडर्स निकल के आएंगे जो इस तरह का गिफ्ट अचीव करेंगे। कितना मजा आएगा जब तक उस बोतल का ठंडा पानी वो फील्ड में अपने बैग से निकाल कर पिएंगे, उनको याद आएगा कि हमने कुछ किया है। और दोस्तों इसके मध में कुछ और है, मैं इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूं, उसको ध्यान से समझिएगा कि 30 ज्वाइनिंग लगाएंगे आप, 30 रिक्रूटमेंट करेंगे आप, दोस्तों कभी भी आप टेंशन में नहीं रहेंगे। आज हम सारे लीडर्स क्या होता है ना, टेंशन में आ जाता है, फलाना छोड़ के चला गया, वो नहीं काम कर रहा, वो नहीं काम कर रहा। दोस्तों रिटायरमेंट और लोगों का जाने का प्रोसेस तो रहेगा ही रहेगा हमेशा, लेकिन आप एक बार सोचिए कि आप हर महीने 30 लोगों को लेकर आ रहे हैं, आपके अंदर क्या रहेगा, आपका मोरल हाई रहेगा, आप बूस्ट रहेंगे, कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आज छोड़ के जा रहा है, अगले महीने फिर 30 ले आएंगे, फिर 30 ले आएंगे। और ये कॉन्फिडेंस आपको जीतने के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि बेगर एटीट्यूड से धंधा नहीं होगा, क्लियर एटीट्यूड से होगा। और जब रिक्रूटमेंट स्टेज में रहेगा तो आपका मोरल हमेशा हाई रहेगा और आप अपने टीम को बहुत अच्छे से लीड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये मिल्टन का बोतल मत समझिएगा, ये एक मील का पत्थर है। अगर ये आदत, अच्छा हम सिखाएंगे आपको, हम बहुत सारे तरीके बताने वाले हैं आपको, बहुत अच्छे से आपको ट्रेंड करने वाले हैं कि रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे हम लोग, क्या कुछ करना पड़ेगा, वो सब सिखाएंगे हम आपको। लेकिन आपको ये शपथ लेना है कि आई गारंटी, आई प्रॉमिस कि हम अपने टीम में से बहुत सारे लोगों को इस चीज को अचीव कराएंगे। और दोस्तों हम कोई भी ऑफर निकाल दें, फिर वही बात है कि जब तक आपका सहयोग नहीं होगा, जब तक आप इसको फील्ड में जाकर के ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को उत्साह के साथ ज्यादा से ज्यादा नहीं बताएंगे, तब तक बड़ा नहीं होने। तो आप लोग इसको एक्साइटमेंट के साथ अपने फील्ड में लोगों को बताइए और एक बार सोच के देखिए, आप अपने एरिया में 30-30 रिक्रूटमेंट, 30-30 रिक्रूटमेंट एक एक लीडर कर रहा है, चाहे वो 7% हो, 10% हो, 13% हो, कोई भी हो, और उस हर एरिया में हम लोग गो डायरेक्टर वर्कशॉप कर रहे हैं। मतलब आपने जो 30 लोगों को लाया उसको हम ये सिखा रहे हैं कि वो डायरेक्टर कैसे बने। अब बताइए कि क्या आपके टीम में डायरेक्टर्स, सीनियर डायरेक्टर्स, ईडी, एसईडी, इसकी कोई कमी होगी? कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि एक व्यक्ति आज से शुरू करता है और 30 रिक्रूटमेंट करता है, 30 रिक्रूटमेंट करता है, और हम लोगों ने उसको सिखाया गो डायरेक्टर वर्कशॉप में डायरेक्टर कैसे जाना। दोस्तों 10% का रेशियो ले लेते हैं, दुनिया का सबसे खराब रेशियो है 10%, 80-20 चलता है, 80 लोग छटते हैं, 20 लोग आते हैं, अगर हम 10 ले लेते हैं। दोस्तों 3 व्यक्ति आपका तैयार हो गया जो डायरेक्टर क्वालिफाई करें। माय डियर फैमिली मेंबर्स, अगर वो 3 व्यक्ति आपके साथ तैयार हो गया तो आपका टाइटल एसईडी हो गया। आप देखिए रिक्रूटमेंट कहां जा रहा है, क्या बेनिफिट पहुंचा रहा है आपको। आप एसईडी हो गए, आप कार फंड अचीवर हो गए। दोस्तों इस 2030 में गाड़ियों का कारवां लगाना चाहते हैं, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले तक एक एक कार मोदी कर का होना चाहिए, और ये आप कर सकते हैं, इसकी क्षमता आपके पास है। और इसके लिए हम पूरी टीम ने पूरा मोदी कर सिस्टम जो दे रहा है वो तो दे रहा है, पूरा नीरज मिश्रा टीम के लीडरशिप ने कमर कस लिया है कि आपको अचीव कराना है। अरे हमारे पास तो गाड़ी आ गया, आपके पास भी आना चाहिए, और उसके लिए हम तैयार हैं, बस आपको तैयार होना। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने एक्साइटमेंट दिखाएं, और सबसे पहले वो सारे लोग इस चैट बॉक्स में अपना नाम लिखें जो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में 100 PV करके, और अभी 120, 19, 20 लोग हमारे साथ हैं। अच्छा सोचिए एक बार कि कितना मजेदार हो जाएगा कि आपके टीम में 36 लोग किसी एक लाइन में 36 लोग 36 लोग ये तैयार हो गए कि 1 तारीख को वो 100 PV करेंगे। दोस्तों 1 तारीख को अगर 36 लोग 100 PV किसी आपके एक टीम में करते हैं, दोस्तों वो लाइन उसी दिन LPV होगी, और 1 तारीख को आपको तकरीबन आपका 12,000 से 15,000 रुपए का चेक कंप्लीट होगा। और तकरीबन 3 लाइनों में अगर आपने 36-36 लोगों को ये ट्रेन कर दिया जो 1 तारीख को 100 PV करते हैं, या 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में भी 100 PV कर लेते हैं,
तो आप सोच के देखिए कि 5 तारीख तक आपकी 3 लाइन एलपीबी हो गई, मतलब तकरीबन 50,000 का चेक आपको 1 तारीख को बन गया। अगर 1 तारीख को भी सिस्टम क्लोज हो जाए तो 50,000 रुपया आपको आ जाएगा। सोचिए आपका मोरल कितना हाई होगा, आप फील्ड में कितनी एनर्जी के साथ काम करेंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप अपनी लीडरशिप दिखाएंगे, और लीडर लीड बाय एग्जांपल। आप चाहते हैं कि अगर आपकी टीम में ऐसा हो तो आपको 1 तारीख को भी करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, अच्छा सर 5 तारीख का समय है ना, हम 5 तारीख को कर लेंगे। आई गारंटी आप 5 को कर लेंगे, लेकिन आपके टीम में 100 पीपल करने वाले और उस लकी ड्रॉ में आने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि 5 को आप करेंगे, आप लोगों को 6 तारीख को बताएंगे और ऑफर का डेट तो 5 ही तारीख तक हम लोगों ने निकाला है। लेकिन अगर आप 1 तारीख को करेंगे और अपना फोटो ग्रुप में डालेंगे और उसके बाद अपने टीम में लोगों को कॉल करना शुरू करेंगे, आपने 100 पीपी किया, आप लकी ड्रॉ में आ गए, आपने 100 पीपी किया, आप लकी ड्रॉ में आ गए, दोस्तों आई गारंटी 5 तारीख तक बहुत सारे लोग आपकी टीम में 100 पीपी कर जाएंगे। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने सारे लोग हैं जो 100 पीपी करेंगे, जो चैट बॉक्स में यस करें। मैं जरा उनका नाम देखना चाहता हूँ, आयान मिश्रा से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं चैट बॉक्स खोला नहीं है मैंने, तो आप सर मुझे उनका नाम जरा पढ़ के बताइए फटाफट, जो नाम आ रहे हैं आपके सामने। आयान मिश्रा सर। यस सर, जो नाम जो आ रहे हैं हमारे पास उसमें नीतीश नायक जी हैं, अगर मैं शुरू करूं तो प्रीति प्रीति मैडम हैं। ओहो, बहुत तेजी में भाग रहा है। नकुल जी हैं, रवि जी हैं, नरवर गहलोत जी हैं, नरेंद्र कुमार जी हैं, नागेश्वर जी हैं, अनुपम मिश्रा जी हैं, रीमा कुरैशी जी हैं, गौतम प्रसाद जी हैं, चंद्र विजय कुमार जी हैं, धनंजय कुमार जी हैं, अनमोल आनंद जी हैं, तवरेज अनिस जी हैं, आनंद सर हैं, हमारे धनंजय झा जी हैं, प्रफुल्ल कुमार जी हैं, तवरेज अनिस जी हैं, जितेंद्र नवलपुर जी हैं, गौतम प्रसाद सर, आरती देवी, सोनू प्रजापति, विजय कुमार, लक्ष्मी कुमारी, धर्मेंद्र कुमार, ज्ञानेंद्र पटवारी, विपिन कुमार जी, इतने सारे लोगों का लगभग सर वाओ क्या बात है, अल्टीमेट 40 लोगों का, तकरीबन 40 लोग अपनी जिंदगी बदलने को तैयार हैं। गौतम बर्मन सर हैं, ज्ञानेंद्र पटवारी जी हैं, विपिन कुमार जी हैं, धर्मेंद्र सर हैं, सत्यम शेखर मौर्य जी हैं, रानी कुमारी जी हैं, लीडर वही होता है जो एग्जांपल सेट करता है। लीडर हु नोज द वे, गोज द वे एंड सोज द वे। लीडर वो होता है जो रास्ता ना जानता है, उस पे जाता है और फिर अपने टीम को सिखाता है उस रास्ते पे कैसे चलना है। तो बहुत बढ़िया, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे पता है कि आप सब लोग इतिहास रचने वाले हैं। तो दोस्तों आप रिक्रूटमेंट भी हाई नोट पर करके, जो हम लोगों ने गिफ्ट देने का प्लान किया है वो आप जीतेंगे, और गिफ्ट सबके लिए है, गिफ्ट में कोई लकी ड्रॉ नहीं। 100, 200, 500, 1000, 2000 जितने लोग इस ऑफर को जीत जाएंगे उस हर व्यक्ति को हम लोग गिफ्ट देंगे। और बहुत सिंपल है, सोचिए एक न्यू ज्वाइनर पे बता रहा हूँ, एक नया ज्वाइन किया है वो भी 30 आईडी लगा सकता है और 15-15 पीबी करेगा, मात्र साढ़े चार सौ पीबी करके वो हम लोगों के माध्यम से पहला गिफ्ट जीत सकता है। और ये गिफ्ट और कितना बड़ा हम लोग करेंगे वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितने एक्साइटमेंट के साथ इसमें भाग ले। आपका जोश, आपका फील्ड में किया गया मेहनत और आपके नंबर ऑफ विजेता, नंबर ऑफ विनर्स, ये बताएंगे कि हमें अगला डिसीजन क्या लेना, राइट। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग बहुत उत्साह से रिक्रूटमेंट करेंगे और इसमें जहां भी आपको कमी होगी, जहां भी आपको समझ में नहीं आएगा, आप लोगों के पास मेरा पर्सनल नंबर है, ग्रुप में मेरा नंबर है, धीरज मिश्रा जी का नंबर है, आयान सर का है, जेपी मिश्रा सर का, या आपके अपने अपलाइन का, जो भी जहां भी है आपका अपलाइन का नंबर है, आप अपने अपलाइन से भी पूछ सकते हैं इस बारे में, हमसे भी बात करके इसको समझ सकते हैं। और इस मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए मैं फिर से आयान मिश्रा जी को बुलाना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने बड़े प्यार और ध्यान से मुझे सुना, सब लोग इस चीज के लिए आप लोगों का तहे दिल से आभार, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। बहुत धन्यवाद सर, जबरदस्त आज मजा आ गया। ये ऑफर्स और ये चीजें